भाजपा शिवसेना गठबंधन प्रत्याशी हंसराज अहिर के प्रचारार्थ मशहूर सिने अभिनेत्री अमीषा पटेल का शहर में आगमन हुआ। चंद्रपुर में भाजपा शिवसेना गठबंधन प्रत्याशी हंसराज अहिर के प्रचारार्थ मशहूर फिल्म अभिनेत्री कहो ना प्यार है फेम अमीषा पटेल का आगमन हुआ। इस दौरान सीटीवी न्यूज प्रतिनिधि वैभव रुयारकर के साथ शैलेश गणवीर ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अमीषा पटेल ने अपने फिल्मी करियर के साथ लोगों से बड़ी मात्रा में मतदान करने का आह्वान किया। प्रस्तुत है सीटीवी द्वारा ली गई विशेष मुलाकात के कुछ अंश। हमारे बीच में मशहूर एक्ट्रेस सुपरस्टार इस समय अमीषा मैडम यहाँ पर मौजूद है। अमीषा मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चंद्रपुर नगरी में। मुझे बताइए कि थोड़ा सा अपने करियर के बारे में बताइए, कहाँ से आपने शुरुआत की प्लीज़ मैडम। ये मुझे लगता है सबको मालूम है कि कहो ना प्यार है मेरी पहली फिल्म थी, फिर उसके बाद गदर और लास्ट फिल्म जो आई थी रेस टू और शॉर्टकट रोमियो, उसके दौरान ये है जलवा सलमान खान के साथ, अजय देवगन के साथ दो फिल्में, मंगल पांडे आमिर खान के साथ भूल भुलैया और मेरे जीवन साथी अक्षय कुमार के साथ, हनीमून ट्रैवल्स जोया अख्तर के निर्देशक के नीचे मैंने की थी, रेस टू अब्बास मस्तान जी के साथ फिर से जॉन अब्राहम वगैरह और हमराज, तो काफ़ी फिल्में की और अब मैंने खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला है जी जी। और आप कुछ ही महीनों में मेरी होम प्रोडक्शन देसी मैजिक फिल्म जी जी। बहुत बड़े बड़े दिनों के बाद पर्दे पे आने वाली है जिसमें मैं एक डबल रोल का किरदार कर रही हूँ, तो दर्शकों का उतना ही सपोर्ट और प्यार चाहूँगी जितना उन्होंने मुझे हमेशा मेरी फिल्म में। मैडम चंद्रपुर में शायद पहली बार है चंद्रपुर शहर में, बिल्कुल बहुत खुशी हुई जी जी। एक हर नागरिक का फर्ज होता है कि वो देश के चुनाव में आगे आए और अपना वोट दे, क्योंकि फिर उनको हक नहीं है कंप्लेन करने का कि हमारी राजनीति ऐसी है वैसी है, क्योंकि आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप अपने लीडर चुनो, तो जब वोटिंग का दिन आए तो सभी जाके अपना वोट जरूर दें। फिल्मों के बारे में बताया तथा उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में एक प्रोडक्शन हाउस में के तहत भी इनकी फिल्म आ रही है और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से उन्होंने आह्वान किया कि मतदाता में इस में आप इस वोट इसमें आने वाले चुनाव में सफा करें। शैलेश गणवीर और वैभव के साथ।